हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम से हर कोई परेशान रहता है। कुछ लोगों के दांतों में दर्द होता है, दांतों में इन्फेक्शन, दांतों में केविटी, सड़न की प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मसूड़ों से जुड़ी समस्याएँ रहती हैं। मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, पस बनना, मसूड़ों में दर्द होना, इनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है गम रिसेशन, यानी कि मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। नीचे वाले मसूड़े की बात करें तो नीचे वाले मसूड़े हैं अपने दांतों को छोड़ के नीचे की तरफ चले जाते हैं, और ऊपर वाले मसूड़े हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसमें दांतों की जड़ें दिखने लग जाती है, साथ ही दांतों के बीच में गेप दिखना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम गम रिसेशन बोलते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ एक ऐसा घरेलू तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने गम रिसेशन की समस्या से बच सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर आपके मसूड़े नीचे जा चुके हैं तो आप उसको वहीं स्टॉप कर सकते हैं, और अगर अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं तो फिर से आप अपने मसूड़ों को हेल्दी बना सकते हो। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि गम रिसेशन शुरू कहाँ से होता है। ये हल्का आपका जो जिंजिवाइटिस होता है, यानी हल्के मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। स्टार्ट में जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना होता है वो दो दांतों के बीच में फंसता है। फंसने की वजह से अगर हम अच्छे से ब्रश या फ्लॉस नहीं करते हैं तो वो हमारे मसूड़ों में फंस जाता है, और धीरे धीरे गम्स के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो गम्स को दांतों से अलग हटाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में हल्की ब्लीडिंग होती है, पस बनती है। आपने नोट किया होगा कि आपके जो गम्स है वो स्पंजी फील होते हैं, ऐसे सॉफ्ट से फील होंगे बहुत ज़्यादा। सुड़ों में फुलावट सी, सूजन से फील होएगी, रेडनेस फील होएगा, इस टाइप के सिम्टम शुरुआत में नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा पेन वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं होते, इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। स्टार्ट में ये पायरिया में कन्वर्ट होता है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। पायरिया की जब स्टार्ट होती है तब मुंह से स्मेल आना, मसूड़ों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और जो टार्टर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बाहर निकलना, गम अपनी जगह से हल्के हल्के हटने लग जाते हैं, मसूड़े भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं, उसमें पस बननी शुरू हो जाती है, सूजन भी होने लग जाती है, और आपके दांत हैं वो हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स रहते हैं पायरिया के। अगर पायरिया जब स्टार्ट होता है उसी टाइम आप डेंटिस्ट से मिल लेते हो और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये कुछ दिन और रह गया तो धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह से हटते चले जाएंगे और आपके गम्स है वो पूरी तरह से दांतों से जगह छोड़ देंगे, यानी दांतों से हट जाएंगे और आपके दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएंगे। इसी को हम गम रिसेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके ये समस्या है और आप इससे परेशान हो तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल करके आप गम रिसेशन की समस्या को रोक सकते हो, वहीं स्टॉप कर सकते हो। अगर आपके एक बार गम्स पूरी तरह से हट गए हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिर से वो वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और ज़्यादा आपके ख़राब नहीं होंगे मसूड़े। इससे आपके दांत बच सकते हैं, हिलने से बच सकते हैं और निकलने से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या होम रेमेडी है, वो क्या घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आपको सबसे पहले सुबह सुबह ब्रश करने से पहले एक काम करना है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है, इफ़ेक्टिव नुस्खा है दांतों और मसूड़ों की बीमारियों को दूर करने का। अगर आप सुबह सुबह ब्रश करने से पहले ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे आपके मसूड़ों की सारी प्रॉब्लम दूर होती है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती ही है, साथ में पायरिया, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस और दांतों में जो सड़न होती है, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम, ये सब समस्या एक साथ ठीक होती है। इसके लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
आपको नारियल तेल या फिर तिल्ली का तेल लेना है। दोनों ही तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोनों ही तेल में एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो आपके मुंह के जितने भी बेड बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और माउथ से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उसको दूर करता है। हमें क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसको अपने मुँह में डालना है, अच्छे से रिंच करना, अच्छे से मुंह में घुमाना है ताकि चारों ओर जितने भी आपके मसूड़े हैं वहाँ तक ये पहुँचे और आपके दांतों के लास्ट जो मोलर होता है वहाँ तक भी जाए। अच्छे से घुमाने के बाद आपको उसको बाहर थूकना है। फिर आप 2 चम्मच लीजिए, फिर यही प्रोसेस बार बार कीजिए। ये कम से कम आप 10 मिनट तक कीजिए। इससे क्या होएगा, आपके ये जितने भी जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे वो तेल में घुल के बाहर निकलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको वो जो ऑयल है वो स्पिट मतलब अंदर नहीं लेना है, थूकना ही है। तो अंदर लेने से क्या होगा, जितने भी जो गलत बैक्टीरिया उसके अंदर घुल गए हैं वो आपके बॉडी में चले जाएंगे, पेट में चले जाएंगे। तो गलती से भी इसको आपको अंदर नहीं निगलना है, इसको बाहर ही थूकना है। ये प्रोसेस आप रेगुलर कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, तो इसको आप रेगुलर कीजिए कुछ दिनों तक। अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम वहीं रुक जाएगी, आपके आगे गम है वो ख़राब नहीं होंगे, मसूड़े हेल्दी बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपके सिर्फ जिंजिवाइटिस स्टार्ट हुआ है, हल्का पायरिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो हफ्ते में इसको 2 या 3 बार कर सकते हो। नॉर्मल अगर आपके दांतों से और मुंह से रिलेटेड हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए आप अगर हफ्ते में 1 बार भी ऑयल पुलिंग करते हो तो आपके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे, दांत स्वस्थ रहेंगे, दांतों से जुड़े बीमारी जैसे कि कैविटी, कीड़ा लगना, सड़न होना, इन्फेक्शन, पल्पाइटिस, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो और मसूड़े की प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी। अगर आप चाहते हो कि मतलब आपके मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बदबू आ रही है, सूजन है, पायरिया या फिर गम डिसेशन की प्रॉब्लम है, तो कोई भी होम रेमेडी करने से पहले एक बार डेंटिस्ट से स्केलिंग जरूर करवा लीजिए। मैं अगर आप नॉर्मल होम रेमेडी कर रहे हो तो उससे बेनिफिट तो आपको होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप सफाई करवा लेते हो, क्योंकि स्केलिंग में क्या होगा, जितना भी टार्टर आपके दांतों और मसूड़ों या गम्स में फंसा हुआ है वो सारा क्लीनिंग से निकल जाएगा। और निकलने के बाद जब आप ये प्रोसेस करोगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको हमेशा पहले एक बार स्केलिंग करवा लीजिए, फिर ये होम रेमेडी कीजिए, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आगे चल के आपको इस समस्या से कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके ऑलरेडी गम रिसेशन हो चुका है तो वो फिर से आपके ठीक हो जाएगा। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि गम्स आपके फिर से पहले की तरह आ जाएंगे, लेकिन वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है रेगुलर सुबह और रात के समय ब्रश करना। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए। 3 महीने बाद ब्रश चेंज कीजिए, वरना उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं ब्रिस्टल में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करता है। हमेशा दिन में 2 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो गुनगुने पानी में नमक के जो पानी के जब आप कुल्ले करोगे तो इससे भी आपके गम है वो रिलीफ फील कर, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है वो ठीक होता है, क्योंकि नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। साथ ही अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। यही है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।